बिग न्यूज, दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं जूही प्रधान। खबरों में सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़ों को देख जिला प्रशासन ने कसी कमर। मास्क न पहनने व नियमों की अवहेलना करने वालों से वसूला जुर्माना। जमशेदपुर आबकारी विभाग को मिली बड़ी सफलता, 2000 किलो जावा महुआ संग 90 लीटर चौलाई शराब बरामद कर किया नष्ट। और जमीन घर के बाद अब ट्रांसफार्मर पर भी लोगों का होने लगा कब्जा। मानगो आजाद नगर में दबंग बस्ती वासियों ने ट्रांसफार्मर को बनाया निशाना, अंधकारमय हुआ क्षेत्र। अब खबरें विस्तार से, और आपको बता दें कि वैश्विक संकट कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। झारखंड खासकर लोह नगरी जमशेदपुर में हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। वहीं जिले में बढ़ रहे संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है, जहां सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन कराए जाने को लेकर जमशेदपुर पुलिस प्रशासन की ओर से सड़क पर सख्ती शुरू कर दी गई है। जहां शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में जिला परिवहन विभाग और ट्रैफिक विभाग के साथ स्थानीय थाना द्वारा सघन जांच अभियान शुरू कर दिया गया है, जहां सड़कों पर ऑटो चालकों और डबल राइडिंग बाइक सवार के अलावा चार चक्का वाहनों के खिलाफ विभाग द्वारा सख्ती के साथ फाइन भी काटा गया। वहीं मास्क नहीं पहनने वालों और नियमों की अवहेलना करने वालों को जबरदस्त फटकार लगाते हुए जुर्माना वसूला गया। वहीं विभाग ने साफ कर दिया है कि अब यह अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं विभाग के इस कार्रवाई के बाद नियम कानून को ताक पर रखकर चल रहे लोगों में हड़कंप देखा गया। अभी देखिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, और गाड़ियों में देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं लोग, इसीलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। जितने भी ऑटो हैं शहर में सबको पकड़ करके फाइन किया जाएगा, कि अगर वो अगर सरकार के निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो उनको जो है सजा तय, फाइन तय। ये पूरे शहर में चल रहा है कि खाली बागे जमशेद साक्षी शहर में चलेगा, और बाहर से जो वाहन आ रहा है उसका चेक पूरा है, चेकनाका में वो चेक हो रहा है। और अब बात करते हैं जमशेदपुर में बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से शहर में जगह जगह सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मरीन ड्राइव के पास जांच टीम ने कोरोना जांच के लिए खास तौर पर तैयार किए गए डबल डेकर बस के चालक को बगैर मास्क के पकड़ा। बताया जाता है कि बंगाल सरकार की ओर से इन बसों को खास रूप से मंगाया जा रहा है, जिसमें कोरोना जांच के साथ सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इससे पहले एक बस की डिलीवरी की जा चुकी है। यह दूसरी खेप आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित बेबको इंजीनियरिंग से कोलकाता के लिए जा रही थी। इसी दौरान मरीन ड्राइव पर जाँच के दौरान इस बस के चालक को बगैर मास्क के पाया गया। वहीं इस बस सड़क पर चल रहे राहगीरों और जांच कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए कौतूहल का विषय रहा। आपको बता दें, इससे पूर्व कंपनी की ओर से इस अनोखे बस का प्रमोशन किया जा चुका है। बताया जाता है कि महानगरों में इन बसों की खासी मांग है, और यही कारण है कि अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस या डबल डेकर बस का निर्माण काफी तेज गति से किया जा रहा है। बन रही है तो ये कहाँ जाता है? ये कलकत्ता जा रही है, वेस्ट बंगाल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस है। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं कि डबल डेकर है कितने? ये डबल डेकर बस है, ये टूरिस्ट जो आते हैं ना विदेश से लोग, उनको ये घुमाने के लिए तो सरकार वहाँ बनवाई है। इसके पहले एक गाड़ी मैं डिलीवरी दे चुका हूँ, तो दूसरा गाड़ी देने जा रहा हूँ। कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है ये? टाटा से कलकत्ता, टाटा भारत इंजीनियरिंग बॉडी बिल्डिंग में इसका बॉडी बिल्ड हुआ। ये केवल ओनली फॉर महानगर के लिए। आप चालक हैं? जी मैं चालक हूँ। क्या नाम आपका? मन पड़ता है। एक बस जा रही थी, यहाँ से बस जब पास हो रही थी तो हमने सिपाही को कहे कि रोकिए, और वो ड्राइवर मास्क नहीं लगाए हुए थे। मास्क लगाने के लिए हमने उन्हें समझाया कि आप मास्क पहन लीजिए, इसलिए आपको फाइन भी हो सकता है और इससे दूसरों को बीमारी फैल सकती है। ऐसा मत करें, आप टाउन में घुस रहे हैं, मास्क लगा कर ही टाउन में घुसें, अन्यथा आप पर कार्रवाई की जाएगी। आप मास्क लगा कर जाएं। चेकिंग कहाँ पर किया? ये नो एंट्री का यहाँ पर बोर्ड लगा है। जो नो एंट्री में गाड़ी प्रवेश करती है तो हम लोग देखते हैं कि नो एंट्री में कौन व्यक्ति घुस रहे हैं छः चक्का के। तो वो दो तल्ला बस थी, जो हम उसको रोके कि भाई आप मास्क लगा कर ड्राइवर साहब आप चलिए। एक्सएलआरआई कॉलेज के पास। क्या नाम आपका? शकील अहमद खान। बना रहा क्या है उसमें? उसमें मालूम है जी, बताइए ना। जिस तरह से कि हॉस्पिटल में सिस्टम होता है ना सब चेक करने का, उस तरह बस में ही पूरा सिस्टम। वीडियोग्राफी करना कहाँ बनता?
भारत इंजीनियरिंग बॉडी बिल्डिंग में। तो अभी तक कोई ऑर्डर हुआ है? अभी तक एक और मिल के उनका 6 ऑर्डर और मिल चुका है। तो उसमें सब स्टेट गवर्नमेंट गाड़ी बना बना के अपने स्टेट में पूरे घूम घूम के उसका चेकअप होगा। तो गाँव देहात में कोरोना चेकअप कैसे होता है? जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे कोई हॉस्पिटल में, हर सुविधा सर उसमें, हर सुविधा बस के अंदर पूरा सुविधा है, बस के अंदर सुविधा है पूरा सुविधा। तो डॉक्टर अभी आ रहे हैं, बिना डॉक्टर के कैसे होगा? तक एक बस बन चुका है। कहाँ गया हो? अब ये कहाँ गया ये तो पूरा जानकारी नहीं है। बड़ी बिल्डिंग में सर एक बस अभी तो टीवी में आया हुआ है, ये 5-6 दिन पहले टीवी में। वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर हर शाम 4 से 9 बजे तक विशेष ड्राइव चलाया जा रहा है, जहां जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी सड़क पर उतरकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते नजर आए। अरे वाला भी देख लीजिए, ये वाला ये निकालिए। वहीं बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए लगातार जिले के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी सड़क पर उतरकर जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। वहां वाहनों पर सवार लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं कि नहीं, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस दौरान शुक्रवार को सुबह से ही जिले के वरीय पदाधिकारी शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहनों की जाँच करते नजर आए, जहाँ 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन साथ ही ऑटो की भी सघन जाँच की गयी। लोगों को जागरूक करना, उसके लिए डीएम साहब, एसडीओ साहब, जैसे कि स्पेशल ऑफिसर हमारे थाना प्रभारी सब लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं उनके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आज जो पकड़ा रहे कल तो बारिश लेके छोड़ गया था, क्या इनके ऊपर FIR हो रहा है? बिल्कुल सर, क्या लग रहा है लॉकडाउन की तरफ, सेकेंड लॉकडाउन की तरफ सर जा रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए एक आशंका फैला हुआ लोगों के बीच में कि लॉकडाउन लग सकता है, इस तरह के प्रयास मुझे नहीं लगाने चाहिए। जो ऑलरेडी दिशा निर्देश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना है, मास्क लगाना है, दुकानों पे सिर्फ टेक अवे की फैसिलिटी, जो रेस्टोरेंट वगैरह उन सभी दिशा निर्देशों का लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग जो नहीं मान रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे उसके ऊपर कार्रवाई करके, 5 से अधिक जहाँ अगरेज के लिए एकत्रित हुए तो उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग संजय मार्केट का मुआयना भी कर रहे हैं, और संजय मार्केट को जल्द ही केस में सोशल डिस्टेंसिंग जो नहीं मेंटेन कर रहे हैं इसको तुरंत लॉकडाउन करेंगे, इसको बंद करने का विभिन्न साथ हम लोगों ने अनुशंसा किया है, और बहुत जल्द ये बंद करने के लिए हम लोग इनको अनुरोध करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने बात मानने से इनकार किया है और इस चीज़ को अनुकरण नहीं करते। बहुत सारे लोग बिना मास्क लगा के बेचते हैं, और जब प्रशासन को देखता है एक तरफ रेड होता है दूसरे तरफ ये मास्क लगाने लगते हैं, क्योंकि ये समय नहीं है। इन लोग को कई बार काम किया गया, 2 बार 3 बार 4 बार काम किया गया, हम लोगों ने इनको देखा कि भाई अगर बढ़िया से चलाएंगे तो हम लोग दुकान चलाने देंगे, क्योंकि चलाने लायक स्थिति में आप नहीं पहुँची है, इसलिए हम लोग इसी हिसाब को अस्पष्ट समय अनुशंसा कर दूंगा कि इसमें दुकान अभी बंद किया।
जमशेदपुर के आबकारी विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां विभाग ने बिरसानगर क्षेत्र से बड़ी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर विभाग ने बिरसानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुरलुंग इलाके में संचालित हो रहे अवैध शराब के भट्टी पर विभाग ने छापेमारी की, जिसमें जिला प्रशासन के जवान भी शामिल रहे। इस दौरान विभाग ने 2000 किलो जावा महुआ एवं 90 लीटर तैयार चौलाई शराब को बरामद किया, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। हालांकि इस छापेमारी में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वैसे विभाग ने अज्ञात संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की जाँच जा रही है। हुरलुंग क्षेत्र में नदी किनारे एक भट्टी को ध्वस्त किया गया, जहां करीब 2000 केजी जावा महुआ मिला है और करीब 100 लीटर देसी सिलाई शराब मिला है। अभी भट्टी के संचालनकर्ता का पता नहीं चला है, हम लोग पता कर रहे हैं, उससे फरार अभियोग दर्ज किया है। नहीं, हम लोग को जो पता चलता है वहां हम लोग करते ही हैं, बाकी जो है से वो लोग भी बहुत अलर्ट है। पहले एक जगह करते थे, अब अलग अलग जगह पे जो है से करते हैं। हम लोग को भी पता लगाने में दिक्कत होती है और जैसे जैसे पता चलता है हम लोग वहाँ उसको तोड़ते। गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई, हम लोग गाड़ी जहाँ खड़ा किए वहाँ से दूर जाना था और फोर्स को देखते हैं उसको फरार हो पाए। जमीन और घर पर दो दबंगों का कब्जा होते आपने देखा होगा, लेकिन आज जो हम आपको दिखा रहे हैं वो बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर पर कब्जा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मानगो के आजाद नगर का, जहां दबंगों ने एक ट्रांसफार्मर को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके कारण पूरे बस्ती के लोग अंधेरे में डूब गए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर बस्ती के लोग जब दूसरा ट्रांसफार्मर लगाने की मांग कर रहे थे तो दबंगों ने धमकाना शुरू कर दिया, यह कहकर कि जिस जगह पर ट्रांसफार्मर लगा है यह मेरी जमीन है, जबकि जिस जगह पर ट्रांसफार्मर लगी है यह सरकार की जमीन है। उसके बावजूद भी दबंग इस जमीन को और ट्रांसफार्मर को अपने कब्जे में ले लिए हैं। उधर बस्ती के लोगों ने इस मामले को लेकर जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की और दबंगों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही अंधेरे में डूबी को उजाला में कैसे परिवर्तन करें इस पर सिफारिश की है। मामला से आया है, अच्छा, हमारा क्रॉस रोड नंबर 14 में ट्रांसफार्मर पास हो गया है और उसमें जो है हम लोग जो है कि 113 कंज्यूमर है, उसमें सबका सहमति है ट्रांसफार्मर वहाँ लगना चाहिए। इन आदमी का ऑब्जेक्शन की वजह से वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा। कौन ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, किस जगह पर? इकबाल, जकीर साहब और रियाज। क्या कह रहे हैं लोग? वो लोग बोल रहे हैं यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगने देंगे। अगर वहाँ ट्रांसफार्मर लगते तो कितने लोगों को बिजली मिलेगी? वहाँ ट्रांसफार्मर लगते तो कितने लोगों को बिजली मिलेगी? कम 113 घर की बिजली मिलेगी। तो क्या अभी क्या इसे क्यों रोका गया है? अभी इसलिए कि उनके जो गली में हम लोग लगाना चाह रहे हैं उनके अगल बगल दोनों को घर पड़ोसी हैं। अच्छा, वो 2 फीट उनका जमीन छोड़ के हम लोग लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो गली इस्तेमाल में नहीं आता है ना, वहाँ से गाड़ी आना जाना कुछ पास नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग वहाँ लगाना चाह रहे हैं, लेकिन उन लोग ऑब्जेक्शन है कि वहाँ नहीं लगने देंगे। तो काम चालू था? काम चालू था, कल हम लोग पूरा पोल गड़ गया है, उसके बाद जो हिसाब से फिर वहाँ काम को रोक दिया गया है। तो आज आप लोग किनसे शिकायत करने के लिए आए? जी, आज आप लोग किससे शिकायत कर रहे हैं? हम लोग उनके खिलाफ में आए हैं विषय में बात करने के लिए, हमारा क्यों काम क्यों रोका गया है और हमारा वहाँ जगह है नहीं, तो फिर जिस जाके देखेंगे जहाँ पर हम लोग जगह किए हैं वहाँ, अगर जिस अगर परमिशन देते हैं तो लगेगा। आज किनसे मिलने आए हैं? जिस आपसे मिलने आए हैं। अब रुक करते हैं पोटका प्रखंड की ओर। आपको बता दें कि जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में स्थित विशाल बरगद का पेड़ गर्मी में लोगों के लिए बना सहारा। इस पेड़ से लोगों को मिल रही है काफी राहत। वहीं प्रखंड मुख्यालय में अपने काम और समस्या को लेकर जब लोग प्रखंड मुख्यालय पहुंचते हैं तो जरूर बरगद के पेड़ के नीचे आराम करते हैं, जिससे लोगों को काफी सुकून मिलता है। वहीं इस संबंध में लोगों का कहना है कि यह पुराना पेड़ है और गर्मी में यह पेड़ से काफी राहत मिलती है, इसलिए लोग जरूर इस पेड़ को लगाएं। पेड़ के नीचे बैठे हैं। देखिए, पेड़ का जहां तक सवाल है, ये बरगद का पेड़ ये बहुत ही पुराना है। गर्मी के मौसम में अक्सर लोग यहीं पर आकर के जो है बैठते हैं और ऑफिस प्रखंड में जो ऑफिस है पोटका प्रखंड में, यहां पर ये सब आराम से ठंडा बैठते हैं और उसके बाद। लेकिन मेरा कहना है कि इस तरीके से जो है ना हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए, है ना। कितना गर्मी में राहत मिलती है आप लोगों को? काफ़ी राहत मिलती है, पर बहुत सैकड़ों आदमी यहाँ पर बैठते हैं गर्मी में, है ना। सैकड़ों आदमी बैठ करके अपना जो है ना आनंद लेते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
आपके शहर में किफायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज्जा, कुकीज, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया धतकीडी जमशेदपुर। फोन नंबर 9593760653, 6297318081। ब्रेक के बाद मैं जूही प्रधान आप सबका फिर से स्वागत करती हूं। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मूलवासी संघ का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त कार्यालय पहुंच परसुटी हलुद बनी, साथ ही आसपास के क्षेत्रों में व्यापक जन समस्याओं को लेकर 10 सूत्री मांग को सौंपा और उपायुक्त का ध्यान इस समस्याओं की ओर आकृष्ट कराया। नहीं ठीक है जूही, हाँ बताइए क्या मांगे आपने? रंजीत पास के अध्यक्ष, शुरू से बताइए क्या मैटर है, किस लिए आए हैं? हम लोग आए हैं डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए। इस ज्ञापन में स्थानीय मुद्दा को हम लोग केंद्रित किए। स्थानीय मुद्दा में कहा जाए तो मेन रोड जो हमारा परसुड़ी से गादाड़ा तक गया हुआ है, उस रोड मेन रोड में पानी का पाइप को बिछाया गया है। उस समय में खुदाई जो हुआ था वो खुदाई को फिलिंग किया है मिट्टी से। अभी क्या हुआ, बरसात के समय में गाड़ी आना जाना करते हुए वो गड्ढा और ज़्यादा गड्ढा होते जा रहा है, जिससे आए दिन लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, जिससे हम लोग डीसी साहब से निवेदन करेंगे कि उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करें। दूसरा हमारा स्थानीय मुद्दा जो है खेती का, वहाँ खेती हम लोग करते हैं कृषि जमीन सब में, जिसमें चरागाह नहीं होने के चलते हमारा जो पशु है वो जाकर के हमारा फसल को नष्ट कर देते हैं। तीसरा है अतिक्रमण जो वहाँ हो रहा है सरकारी भूमि में अवैध तरीका से, उसका है। चौथा हमारा जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया में अवैध फ्लैट बन रहा है, उसको कौन स्वीकृति प्रदान किया है, इस पर हम लोग प्रकाश डालने के लिए कोशिश किए हैं। डीसी के माध्यम से हम लोग जानकारी चाहते हैं। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम है रंजीत पासके, मूल निवासी संघ के पूर्वी सिंहभूम जिला के अध्यक्ष हूँ। कोरोना काल में मानव सेवा करने वालों की कमी नहीं है। वहीं लॉकडाउन के 111वें दिन एवं अनलॉक 2 में लगातार शहर से लेकर सुदूरवर्ती गांव तक इस पूरे लॉकडाउन में टीम संघर्ष परिवार पूरी तत्परता के साथ मानव सेवा प्रदान करते आ रहे हैं। के तहत संघर्ष संस्था के जाने माने अधिवक्ता श्रीमती योगिता कुमारी जी के मार्गदर्शन में नव जागृत मानव समाज कुष्ठ आश्रम परिवार में वहां रह रहे 50 पीड़ित एवं असहाय लोगों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था के साथ साथ पुरुष मरीजों के लिए अस्पताल के द्वारा निर्धारित नए वस्त्र परिधान प्रदान किया गया। संस्था सहयोग एवं टीम संघर्ष परिवार का यह उद्देश्य ही रहा है कि इस पूरे लॉकडाउन में कोई भी भूखा पेट न रहे और साथ ही साथ इन पीड़ित असहाय लोग अपने आप को समाज से अलग न समझ पाए। 10 जुलाई 2020 को लॉकडाउन के 111वां दिन एवं अनलॉक 2 में टीम संघर्ष परिवार एवं संस्था सहयोग के मार्गदर्शक जाने माने अधिवक्ता श्रीमती योगिता कुमारी जी के मार्गदर्शन में नव जागृत मानव समाज पुष्ट आश्रम परिसर में वहां रह रहे 50 पीड़ित एवं असहाय लोगों के बीच दोपहर के भोजन की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ
सभी के लिए नए वस्त्र परिधान आज प्रदान किया गया। एक अनोखा पहल इस लॉकडाउन के बीच में भी सहयोग संस्था के साथ मिलकर टीम संघर्ष परिवार ने एक मिसाल कायम करते हुए, ताकि उन परिवारों को भी ये ना लगे कि इस लॉकडाउन के समय भी वो अकेला है। अब बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। जी आपको बता दें कि जमशेदपुर के कदवा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 स्थित संतोषी मां के मंदिर को भू माफिया असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जहां इस मामले को लेकर स्थानीय निवासियों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंच उपायुक्त से इस संबंध में शिकायत की और जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप कर मंदिर के जमीन को सुरक्षित करने की मांग की। माध्यम से जो भू माफिया लोग उनके माध्यम से ये जमीन को कब्जा किया जा रहा है, जबकि मंदिर स्थल मस्जिद ये सब सार्वजनिक चीज है, इसमें अगर कोई व्यक्ति इसको अपना मानकर इसको बेचना चाह रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। तो आज हम लोग डीसी साहब के पास में आए हैं अपने बातों को रखने के लिए कि इस तरह का घटना हो रहा है, तुरंत इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो कल जाके असामाजिक तत्व द्वारा हो सकता है कि कुछ भी कब्जा कर ले और हम लोग चुप बैठे रहें। तो ऐसे मामलों को अविलंब इस पर कार्रवाई होना चाहिए और वैसे लोग जो इस तरह कार्रवाई कर रहे हैं उनको दंडित करना चाहिए, तभी जाकर समाज का विकास होगा। मामला है संतोषी मंदिर माता का बिक्री का, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि मंदिर बिकता नहीं है, ठीक है। कुछ भू माफिया का और असामाजिक तत्व के द्वारा ये मंदिर खरीद बिक्री हो रहा है, और जो मंदिर की देखरेख करती थी उनको ले जाकर हत्या कर दी गई है, और इसकी हम लोग उपायुक्त महोदय से मांग कर रहे हैं कि आप इसको अपना हस्तक्षेप करें और मंदिर को बचाने का काम करें। किसके द्वारा छेका जा रहा है और कहाँ का? ये मुकुल शुक्ला और बिट्टू राव और मनीष कुमार के द्वारा छेका जा रहा है, जो कि भाटिया बस्ती में रह रहे हैं अभी। ये कितने सालों से मंदिर है वहाँ पर? मंदिर लगभग 40 से 50 साल का है। तो आज इसकी हत्या की बात करें, इनका हत्या कब हुआ? इनकी हत्या तो हम लोग को पता नहीं है, मगर उनके जो भतीजे रहते थे वो ये जमशेदपुर से लेके गए यूपी, क्योंकि यूपी के रहने वाला है, और कुछ दिन के बाद आने के बाद जब पहले बोला कि आपकी चाची ठीक है, फिर अचानक बोलता कि आपकी चाची की डेथ हो गई है। मगर हम लोग आशंका जता रहे हैं कि उनकी डेथ नहीं, इनकी हत्या की गई है। अभी क्या मांग कर रहे हैं? अभी हम लोग मांग कर रहे हैं उपायुक्त महोदय से कि इस मामले को जांच करें और मंदिर को बचाने का बस्तीवासी मांग कर रहे हैं। वहाँ कितने लोग हैं? वहाँ पर करीब करीब मंदिर के अगल बगल करीब करीब 150 घरे हैं, और सभी घरे से आदमी लोग निकल कर इसका विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं संजीव कुमार सिंह, शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4। चलते चलते एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़ों को देख जिला प्रशासन ने कसी कमर, मास्क न पहनने व नियमों की अवहेलना करने वालों से वसूला जुर्माना। जमशेदपुर आबकारी विभाग को मिली बड़ी सफलता, 2000 किलो जावा महुआ संग 90 लीटर चौलाई शराब बरामद कर किया नष्ट। और जमीन घर के बाद अब ट्रांसफार्मर पर भी लोगों का होने लगा कब्जा, मानगो आजाद नगर में दबंग बस्ती वासियों ने ट्रांसफार्मर को बनाया निशाना, अंधकारमय हुआ क्षेत्र। अब तक के लिए बस इतना ही, बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।